अच्छा, जब लेंथ काटोगे ना तो उसमें ना रबर बैंड बांध देना। नहीं, हटा तो दोगे, मेरे को बाल चाहिए। ले जाने बाल में सारे बाल आपके। पर वैसे वो तो नहीं हो जाएंगे मिक्स? नहीं नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि बॉयकट तो नहीं करवा रहे हो। पहले उनके नीचे तक थे, इतने काटे थे पहले। तो गाइस, हम आए थे नेप शेप कराने, वो हम करवा रहे हैं वन साइड हेयर कट जो अभी स्टार्ट होने वाला है। स्प्रे लगा सकते हो सेट वेट का? हाँ, स्प्रे भी है मेरे पास। ये नीचे का शेप सही लग रहा है, ये देखिए। आपको पूरी वीडियो में तो वैसे दिख ही गया होगा। ये कट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। नीचे ये थोड़ा सेट करा दिया, बाकी कटिंग वटिंग तो नहीं कराई है मैंने आज। आज वो स्नैप शेप करा है। ये देखिए मेरे बाल शाइन कर रहे हैं ना, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा ना। फाइनली वो टाइम आ गया है। ठीक है बेटो, जाते
कपड़ा डाल जाएगी अब एरिक की बारी। एरिक की बारी है। आ जाओ एरिक। तो गाइज ये हो गई है हमारी कटिंग और साथ में कलर लग गया है बरगंडी। तो ये देखिए लोग पहले आगे करना जरा। ये हमने करवाया है टैटू। मैं तो निकल गया मेरठ। वो कल मेरे से पूछ रहे थे क्योंकि मैंने भी जाना था सुल्तान भैया से। तो हाँ अच्छा लग रही फर्स्ट टाइम मैंने भैया से कराया है हेयर कट। बहुत अच्छा लगा, फुली सेटिस्फेक्शन मिला मुझे, अच्छा लगा। Hello. और बहुत अच्छे तरीके से किया है, थैंक यू भैया। नहीं नहीं कट रहा है। मैं देता हूँ 250 लेडीज करके। ये अलग कट है। अच्छा हाँ, मैं तो इसमें वॉश ड्रायर कर दूँ। हो गया मेरा वाला। हाँ जी, आप क्या योर मैंने कहा तू बैठ भाई। हाँ बन रही है। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज फाइल कराने जा रही है अपना साइड शेव। ठीक है हाँ, और हवा लगेगी। हेलो बोलेंगे यार, लोगों से क्या मतलब है भाई? लोगों ने हमारा घर नहीं चलाना है, चलाना मैंने ही घर। और ये लोगों का काम है बातें करना। अगर कोई काम करना है तो ये सबसे पहले ये बात दिमाग से निकालना है। हाँ, ये शर्म। हाँ कोई सा भी काम, लोग क्या कहेंगे। गाइस फाइनली साइड शेव हो गया है और बहुत ही सुंदर लुक आया है। मतलब जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत ही अच्छा शेप दिया है सुल्तान भाई ने। थैंक यू सुल्तान भाई। ये देखिए इसको ना हल्का हल्का नीचे करते ना, वहाँ से बम्पर हो जाएगा जो उस साइड चौड़ा है ना। फाइनल लुक पायल का ये देखिए, और ये है एक्स एक्स गर्ल एक्स मैन एक्स वेमेन। अभी मैं और भी इससे छोटे कराऊंगी बाल, ये वाले।
बिल्कुल बंद कर दिया, आवाज़ नहीं आ रहा से। और आगे से गोल कर देना, गोल मीन्स की एग शेप होता है ना जैसे, वैसे कर देना। कैसा लग रहा है गाइस मेरा लुक, नया लुक? अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, इसके बाद सिर्फ हेड शेप का ऑप्शन है मेरे पास में। यहाँ रह गए ना बड़े, इस बार की गर्मी होगी अच्छी। इसको कहते हैं देसी ट्रिमर, सबसे पहले यही आए थे ये तो। अब बिजली वाले वो सब
तो गाइज ये लग चुका है शेविंग फोम। सर के ऊपर ब्रश नहीं लग सकता, भैया के पास ब्रश भी है, तो हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि शेविंग फोम और यूज़ ना करें ब्रश, और वो यूज़ करें, है ना। अच्छा है, थोड़ा ना आपको हाथ साइड में रखना पड़ेगा तभी हम बना पाएंगे। नहीं बना हुआ, मैं साइड में रखूंगा, आप इधर आओ। अच्छा, अब सही है ना। हाँ बढ़िया। तो फाइनली आज पायल का मुंडन हो रहा है, फिर इसके बाद हम बढ़ाएंगे बाल और रखेंगे नॉर्मल बॉय कट, क्योंकि अभी हम हॉस्पिटल भी गए थे तो ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है, तो बड़े बाल तो रख नहीं सकते। नैरो बोन में ना, हाँ वो चुका है पायल का मुंडन, और देखिए लोग देख रहे हैं। आईब्रो, अच्छा ये क्या होता है? नॉर्मल आपको बैठो, आप नीचे बैठो, मम्मा का ना लगेगी, फिर नीचे बैठो, आप पहले नीचे बैठो। अच्छा आप कार्टून देखोगे? नहीं, जैसे हैंडों पे लगती है ना वही है। बस मम्मा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। आपके पास और भी कोई हेडवे लगवाने? पहली बार नहीं, पहली बार लगा। हम जो भी काम करवा रहे हैं वो पहली बार ही हो रहा है आजकल। देखिए लगाते हैं, ऐसी बात नहीं, लगाते तो हैं पर लोग शर्म भी करते हैं ना। हम लोग के पास ना सिटिंग नहीं होता ना। हाँ नहीं, मैं समझ गया आपके पास, इसलिए मैंने आपको बोला कि घर पे आप करा सकते हो। चलो नेक्स्ट टाइम कभी भी कराना हो तो आपका ना नंबर ले जाऊँगा मैं। ठीक है, ये आगे तो करवा चौथ भी आने वाला है, तब तो आप बिजी हो गए। जी जी जी, देखिए अच्छा चीज़ें लगाएंगे तभी तो कोई पूछेगा ना। ऐसे लगाने के तो लगा देते। आप दूसरा कटर भी बना लेते हैं? अब जैसे जैसे ब्रॉड होगा। और थोड़ा सा नीचे करो, पर कोई ना कोई चल आज की वीडियो में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। उसके अंदर घमंड भी तो बहुत है। अरे भैया, उतना जल्दी कर देंगे।